What the hell is wrong with you two? You are completely obsessed with... What are you doing? Taking mental photographs. हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिल्म बस्टर में। और आज हम देखने वाले हैं ऐसी हॉलीवुड मूवीज जिनकी कहानी तो बढ़िया है ही, लेकिन उसके साथ मूवी में बढ़िया 18 प्लस सीन्स भी है, यानी कि स्वादिष्ट खाना खाने के बाद आइसक्रीम भी मिल जाता है। मैं आपको मूवीज की बेसिक स्टोरीज के साथ उनसे रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलो चलते हैं मूवीज की अमेजिंग दुनिया में। नंबर 5 पे है 2011 में रिलीज हुई एक कॉमेडी रोमांस मूवी हॉल पास। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है रिक और फ्रेड नाम के दो दोस्तों की, जो शादीशुदा होने के बावजूद अपनी बीवियों के साथ होते वक्त भी दूसरे लड़कियों को और औरतों को ताड़ते रहते हैं। इस चीज से उनकी बीवियां तंग आकर उन दोनों को एक हफ्ते का हॉल पास देते हैं, यानी कि वो बीवियां अपने मायके चले जाएगी और एक हफ्ते के लिए उनके पति जो चाहे वो कर सकते हैं, अपनी भूख मिटा सकते हैं, अपनी प्यास बुझा सकते हैं। तो इतना फ्रीडम मिलने के बाद रिक और फ्रेड क्या करते हैं और ढेर सारी कॉमेडी आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी को 5.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Excuse me. Do you think these bar napkins smell like chloroform? I'm kidding. Fred Searing, can I buy you a drink? गाइस, ये मूवी देखते वक्त मैं बहुत हंसा। मूवी में जो एंबैरेसिंग मोमेंट्स थे वो बहुत फनी थे, और मूवी में अलेक्जेंडर डडारियो है, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। मूवी में एक सीन है जिसमें एक एक्टर इंडोर पूल में नींद से उठता है और उसके बाद का सीन भाई 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 सोच के भी बहुत हंसी आती है। मूवी में एक और सीन है जिसमें एक एक्टर ऐसे उंगलियां हिला रहा होता है और मुंह से फेक आवाजें निकाल रहा होता है, और मुझे लगता था सिर्फ औरतें ही फेक आवाजें निकाल सकती है और फेक एक्सप्रेशंस दे सकती है। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से देखी थी एक्स मूवी में। अगर आपने वो मूवी देखी है तो आप समझ सकते हो मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपने हॉल पास और एक्स ये दो मूवीज नहीं देखी तो पहले वो दोनों मूवीज देख लो और फिर से ये वीडियो देखो, आप मुझसे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे। हॉल पास मूवी आपको अमेरिकन पाई मूवीज जैसे गुड फीलिंग्स देती है। मूवी में सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने बढ़िया एक्टिंग की है, और ऑनेस्टली मूवी की सारी एक्ट्रेसेस जरा ज्यादा ही खूबसूरत है। मूवी खत्म होने के बाद मूवी के मिड क्रेडिट्स में भी एक छोटा सा फनी सीन है, तो वो देखना मत भूलना। ऑल्सो मूवी जो मैसेज देना चाहती है वो बढ़िया है। ऑल्सो इस वीडियो के थंबनेल के ऊपर का सीन जब आप मूवी में देखोगे तब आप बहुत खुश हो जाओगे। मूवी को फिल्म बस्टर से मिलती है 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। आई मीन अमेजिंग स्टोरी, बढ़िया 18 प्लस सीन्स, ढेर सारी कॉमेडी और मूवी से अच्छी सीख भी मिल रही है। क्यों ना दूं मैं मूवी को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। नंबर 4 पे है 2023 में रिलीज हुई एक बढ़िया मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म फेयर प्ले। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एमिली और लूक नाम के कपल की, जो एक फाइनेंस फर्म में काम करते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी शादी भी करने वाले होते हैं, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि उनकी एंगेजमेंट को वो थोड़े टाइम के लिए सीक्रेट रखेंगे जब तक उनमें से किसी को प्रमोशन नहीं मिल जाता। उनकी लाइफ बढ़िया चल रही होती है, रोज घपाघप कर रहे होते हैं, लेकिन फिर एक दिन उनके ऑफिस में एक हादसा हो जाता है जिसके बाद चीजें अलग ही मोड़ ले लेती है। अब वो हादसा क्या है और बाकी की कमाल की स्टोरी आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। This firm has become my religion. You have become my god. You give me this opportunity, I will give you everything I got. ये एक ऐसी मूवी है जिसे देखने के बाद आप कई दिनों के लिए मूवी के बारे में सोचते हो और आपको मूवी आपके मोबाइल या लैपटॉप से डिलीट करने का मन ही नहीं करता। मैंने तो खुद से प्रॉमिस किया है कि 1.5-2 महीने बाद ये मूवी फिर से देखने वाला हूँ, तब तक मूवी लैपटॉप से डिलीट नहीं करने वाला, और इसके पीछे का रीजन आपको आगे बताओ। मूवी में एक चीज बढ़िया दिखाई गई है कि जब कोई अपनी पूरी जिंदगी बहुत मेहनत करता है, अपने काम में खून पसीना लगा देता है, बेस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से पढ़ के आया है, वो भी डिस्टिंक्शन के साथ स्कॉलरशिप्स के दम पर, और फिर अगर उस इंसान के साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो आप उसे जेंडर के बेसिस पे जज करते हो, मतलब क्या है ये? हमेशा उसी व्यक्ति को क्यों हर चीज में एडजस्ट करना पड़ता है? यही चीज हमने पीपल यू मे नो मूवी में भी देखी थी। मूवी में एक और चीज बढ़िया दिखाई गई है कि जब हमें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, खुद की स्किल्स पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो फिर हम ऐसे गेट रिच क्विक स्कीम्स के शिकार बनते हैं या फिर ऐसे कोर्सेज के स्कैम्स में फंस जाते हैं। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मेरे कुछ दोस्त और रिश्तेदार इस जाल में फंस गए थे। RMP करके कुछ तो कंपनी थी, उसमें वो पिरामिड वाली स्कीम थी। फिर EBS करके कंपनी है, उसका तो मैं क्या ही बोलूं। स्कूल कॉलेज के बच्चों का ब्रेन वॉश कर देते हैं और फिर वो बच्चे दूसरे को पीछा ही नहीं छोड़ते, बहुत डेंजर होते हैं। मेरे कुछ दोस्त करते थे वो। हाल ही में संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा जो चल रहा था वो भी इसी टॉपिक पर था। और अगर आपको ऐसे स्कैम्स से बचना है तो कॉफी जिला करके एक यूट्यूब चैनल है, चेकआउट करना। उस चैनल पे वो बंदा ऐसे ही स्कैम्स और ढेर सारे टाइप के स्कैम्स को एक्सपोज करता है। बहुत बढ़िया चैनल है और उस बंदे का ह्यूमर भी अच्छा है, तो एक बार चेकआउट करना। और बाय द वे वो चैनल इंग्लिश लैंग्वेज में है। इस मूवी से दो चीजें मैंने सीखी है, पहली की हमेशा हम्बल रहो यानी कि हमेशा विनम्र रहो, और दूसरी की लाइफ में किसी के भी सामने आपको घुटने टेकने की या फिर गिड़गिड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आप खुद के दम पर आपके रिजल्ट्स के दम पर चीजें करो, एक नंबर्स ड्रिवन इंसान बनो, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा था और अश्विनी ग्रोवर ने भी कहा था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं कितना अच्छा हूँ,
नंबर सब बता देते हैं कि टॉप स्कोरर कौन है, किसने कितने गोल्स मारे हैं, बेस्ट प्लेयर कौन है. No, it's just a game. I think the numbers, they say everything. I don't need to say, oh, I'm a minister of football, I'm a legend. The numbers say everything. So this is, I'm very comfortable. और अश्निल ग्रोवर ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर इंडिया में सब नंबर्स ड्रिवन बनेंगे तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी. सर, व्हाट इज योर बिगर पर्पस ऑफ योर लाइफ? ये बिगर पर्पस नहीं बताता मेरे को लाइफ में. मैं इतना सोचने वाला बंदा नहीं हूँ. मेरे लिए सक्सेस की जो मेजर है ना, पैसों में. अगर तुमने किताब उतारी, तुम्हारी किताब क्या सबसे ज्यादा बिकी या नहीं बिकी, तो मैं नंबर्स ड्रिवन बनता हूँ. मेरे को लगता है अगर हर बंदा नंबर्स ड्रिवन बन जाए, देश का वैसे ही भला हो जाएगा. कई लोगों को लगता है कि कुछ इंटेलेक्चुअल पर्पस होगा, कोई लार्जर पर्पस होगा लाइफ में. नहीं है, क्यों चाहिए. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, नंबर्स ड्रिवन इंसान बनो, रिजल्ट्स के दम पर चलो. ऑल्सो फेयर प्ले मूवी के एंड में एक एक्टर या एक्ट्रेस अपने आप को खुद को आईने में देख ही नहीं पाता या देख ही नहीं पाती, इतना शर्म से टूट गया होता है या शर्म से टूट गई होती है. क्या सीन था वो. मूवी को फिल्म बस्टर से मिलती है 9.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग. नंबर 3 पे है 2023 में रिलीज हुई एक वॉर एक्शन बायोग्राफिकल मूवी नेपोलियन, डायरेक्टेड बाय राइटली स्कॉट. मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है 1793 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद की, जिसमें फ्रांस के एक मिलिट्री कमांडर नेपोलियन बोनापार्टी अपनी बहादुरी और वॉर टैक्टिक्स से कई सारी जंगें जीतते हैं. कैसे वो एक मिलिट्री कमांडर से फ्रांस के एम्परर बनते हैं, लेकिन वो सही तरीके से या फिर गलत तरीके से. मूवी में हमें नेपोलियन बोनापार्टी और जोसेफिन के बीच का अडिक्टिव लेकिन वोलाटाइल प्यार भी देखने को मिलता है. बाकी की स्टोरी और कुछ बढ़िया वॉर सीन्स आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेंगे. मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है. I'm the first to admit when I make a mistake. बहुत लोगों ने इस फिल्म को क्रिटिसाइज किया, लेकिन मुझे ये मूवी अच्छी लगी. मूवी में स्टोरी लाइन के साथ बीच बीच में वॉर सीन्स है, जिसकी वजह से मैं इंगेज्ड रहा. अब हर एक की चॉइस अलग अलग होती है, मुझे तो मूवी अच्छी लगी. और मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स के वॉर सीन्स के बिहाइंड द सीन्स देखे है, स्पेशली वो बैटल ऑफ बास्टर्ड्स के बिहाइंड द सीन्स, तो मुझे पता है कि ऐसे वॉर सीन्स शूट करने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है. वैसे ही नेपोलियन मूवी में भी ऐसे बहुत ही कमाल के सीन्स है. मूवी में ढेर सारे 18 प्लस सीन्स भी है, और मैंने नेपोलियन मूवी का रेफरेंस इस वाली वीडियो में शेवलियर मूवी के टाइम पे दिया था. शेवलियर मूवी के इवेंट्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले स्थित थे, और नेपोलियन मूवी के इवेंट्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद. और बाय द वे, नेपोलियन मूवी के स्टार्टिंग में जिस औरत का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, और वो भी पब्लिक में, वो मैरी एंटोनियट होती है, तब की क्वीन ऑफ फ्रांस, जिसे लोगों ने ओवरथ्रो कर दिया होता है. और शेवलियर मूवी में मैरी एंटोनियट का रोल किया था लूसी बॉन्टन ने. और शेवलियर मूवी के एंड में दिखाया गया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ. कमाल की मूवी थी. नेपोलियन मूवी को फिल्म बस्टर से मिलती है 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग. टॉप 2 मूवीज की ओर बढ़ने से पहले आपको एक मूवी के बारे में बताना चाहूंगा. 2016 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री हॉरर मूवी नियॉन डीमन. मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है जेसी नाम की एक इनोसेंट लड़की की, जो मॉडल बनना चाहती है. जेसी लॉस एंजलिस के एक मॉडलिंग एजेंसी के लिए काम करने लगती है, और उसे कुछ हद तक सक्सेस मिल भी जाती है. लेकिन उस मॉडलिंग एजेंसी में काम करने वाली बाकी लड़कियां, जिनका भी मॉडल बनने का सपना होता है, जेसी से बहुत जेलस हो जाती है, और जेसी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है. अब आगे जो थ्रिलिंग चीजें होती है, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी. मूवी को 6.1 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है. Dangerous. You're a dangerous girl. Although, इस मूवी में हमारे जॉन विक, कियानो रीव्स है, और कुछ 3-4 18 प्लस सीन्स है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप ये मूवी ना देखें. मूवी बहुत ही स्लो है, और अनलेस आपको फैशन और मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, या फिर मॉडल लड़कियों के बीच कितनी ज्यादा जेलसी होती है ये देखना है, तो ही ये मूवी देखना. वरना मूवी देख के आपका टाइम वेस्ट मत करना. इस मूवी को फिल्म बस्टर से मिलती है 2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग. नंबर 2 पे है 2015 में रिलीज हुई एक रोमांस थ्रिलर मूवी द बॉय नेक्स्ट डोर. मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है क्लेयर नाम की औरत की, जिसकी अपनी पति के साथ इतनी बंदी नहीं है. एक दिन उनके पड़ोस में नोआ नाम का हैंडसम लड़का रहने के लिए आता है, जो क्लेयर से उम्र में बहुत जवान होता है. एक इंसिडेंट की वजह से नोआ और क्लेयर के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन जल्द ही ये दोस्ती फ्लर्टिंग में बदलती है, और उनके बीच चीजें गर्म हो जाती है. लेकिन जब नोआ क्लेयर पे हावी होने की कोशिश करता है, तो फिर मुश्किलें आ जाती है. अब आगे क्या होगा, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा. मूवी को 4.7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है. Oh, there was a big thunderstorm. You guys didn't get it up there? No, it dries the bone at the lake. Well, it got pretty wet here. I love your mother's cookies. नंबर 1 पे है 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर फिल्म द मैन विद द आयरन फिस्ट्स. मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है चाइना के जंगल विलेज की, जहां का लीडर होता है गोल्ड लायन. गोल्ड लायन को उनके गवर्नर एक टास्क देते हैं कि गवर्नमेंट का सोना, जो गवर्नमेंट के लोग जंगल विलेज के थ्रू लेके जाने वाले हैं, गोल्ड लायन को उसे प्रोटेक्ट करना है.
लेकिन गोल्ड लायन के ही साथियों में से सिल्वर लायन और ब्रॉन्ज लायन लालच में आके उसे धोखा दे देते हैं। तो गोल्ड लायन का फेवरेट बेटा जेन ये बदला लेने का डिसाइड करता है। इस सब हाई लेवल लोगों के वॉर्स के बीच एक सामान्य गोल्ड स्मिथ जो इन्हें वॉर के लिए हथियार बनाकर देता है अपने करीबी लोगों को इस वॉर से बचाने की कोशिश करता है। अब आगे क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 5.4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। इस मूवी के डायरेक्टर है आरजेड है जिन्होंने इस मूवी में ब्लैकस्मिथ का रोल किया है और इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एलाय रॉथ ने। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो मूवी के एक्शन सीन्स बढ़िया है और एलाय रॉथ का नाम मूवी से जुड़ा है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी में कितना ज्यादा खून खराबा होगा। मूवी में डेव बटिस्टा के जितने भी एक्शन सीन्स थे वो कमाल के थे। पॉइजन डैगर वाले सीन्स भी बढ़िया थे। मूवी के लास्ट के 30 मिनट में ब्लैक विडो का एक्शन सीन भी बढ़िया था जिसने मुझे किल बिल मूवी की याद दिला दी। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है मूवी के 18 प्लस सीन्स जो कि बहुत सारे हैं। मूवी में हर 5 मिनट बाद आपको एक बढ़िया 18 प्लस सीन देखने को मिलता है। मूवी में जो पिंक कैसल दिखाया गया है उसके अंदर जो चलता है टू गुड आंखों को सुकून। और जेमिनी के फाइट्स में कैमरामैन को पता है कैमरा कहां पे फोकस करना है। वो फाइट सीन्स देखने के बाद मूवी के कैमरामैन से बस एक चीज कहना चाहूंगा, यू नॉटी नॉटी, यू टीजिंग मी, यू नॉटी नॉटी। मूवी की कास्ट बढ़िया है। रसेल क्रो, लूसी ल्यू, डेव बटिस्टा और जितने चाइनीज एक्टर्स दिखाए गए हैं वो भी। मूवी में वो लेग पीस खाने वाला सीन भी टेस्टी था, देख के मुंह में पानी आ गया। अब बात करते हैं मूवी से रिलेटेड नेगेटिव पॉइंट्स की जिसकी वजह से इस मूवी को इतनी कम IMDb रेटिंग मिली है जिससे मैं सहमत भी हूँ। पहला नेगेटिव पॉइंट है मूवी के बैकग्राउंड सॉन्ग्स, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बैकग्राउंड सॉन्ग्स। मूवी के डायरेक्टर आरजेड एक रैपर भी है तो उन्होंने मूवी में बीच बीच में बैकग्राउंड में रैप सॉन्ग्स डाले हैं जो एकदम ऑफ लगते हैं। उनका मूवी से कोई लेना देना नहीं है। शायद डायरेक्टर के पास घर के कंप्यूटर पे रैप सॉन्ग्स ऐसे ही पड़े हुए थे तो उन्होंने एडिटिंग के टाइम ऐसे बीच बीच में डाल दिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है मूवी कब चाइना से अमेरिका चली जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। मूवी कब मैन विद द आयरन फिस्ट से 12 इयर्स अ स्लेव की ओर चली जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। एकदम खतरनाक ट्रांजिशन था, एकदम साहो मूवी के ट्रांजिशन जैसा। मूवी में हमें उस ब्लैकस्मिथ की बैक स्टोरी दिखाई गई है लेकिन उसकी इतनी जरूरत नहीं थी। अगर दिखानी भी थी तो शॉर्ट में 5 मिनट में दिखानी चाहिए थी। बहुत लंबी खींची है जिसकी वजह से हम मेन स्टोरी से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। और मुझे पर्सनली लगता है कि अगर मूवी में इतने 18 प्लस सीन्स नहीं होते तो शायद ही इस मूवी की इतनी हाइप होती। स्टोरी ठीक ठाक है, इतनी भी कुछ अच्छी नहीं है, अच्छे एक्शन सीन्स है और 18 प्लस सीन्स की वजह से हम एंगेज्ड रहते हैं। मूवी को फिल्म बस्टर से मिलती है 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर।